नमस्कार, मैं हूं गुलफशा और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट ट्रेंड। वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और टीम को शनिवार को यानी कि आज अपना पहला प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मैच से ठीक एक दिन पहले ही टीम के विजय शंकर को चोट लग गई है, जो कि टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है। शंकर को शुक्रवार को प्रैक्टिस के दौरान दाहिने कंधे पर चोट लगी और वो तुरंत मैदान छोड़कर बाहर चले गए। दरअसल विजय बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर खलील अहमद बाउंसर पर पुल करने गए और बॉल विजय शंकर के कंधे पर लग गई। हालांकि बीसीसीआई ने शंकर की हालत पर अभी तक कोई फॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इंडियन टीम उम्मीद करेगी कि शंकर की चोट गंभीर ना हो। आपको बता दें कि शंकर को नंबर 4 के लिए अंबाती रायडू के ऊपर प्रेफरेंस मिली है। वहीं विजय शंकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि नंबर 4 स्लॉट के बारे में बहुत बात हो चुकी है और एक क्रिकेटर के तौर पर उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अपनी खुद की ताकत पर विश्वास करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि उनके चोट लगने की वजह से टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेलने वाले खिलाड़ी का नाम को लेकर काफ़ी सिरदर्दी है। टूर्नामेंट में समय रहते अगर वो ठीक नहीं हुए तो हो सकता है किसी और खिलाड़ी को इस नंबर पर खेलने का मौका मिल जाए। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली नाइट ट्रेंड।